एवरी वन वेलकम टू करते हैं हमारा आज का आज हम करने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट इसका इंट्रोडक्शन जो है वो मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है जो इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं पहले मैं उनके लिए बता दू मैं इस चैनल पर कोर्सेज लेके आती हूँ आपके जेके एस एस बी का स्पेशलाइजेशन वाला कोर्स चल रहा है जिसमें हमारा करंटली यूनिट फिफ्थ चल रहा है यूनिट फिफ्थ का फर्स्ट चैप्टर कम्प्लीट हो गया है प्लस मैं जी के का कोर्स लेके आती हूँ विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के उसमें हम करंटली कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट पढ़ रहे हैं प्लस इसमें यूपीएससी या आपके स्टेट पीएससी का ऑप्शनल सोशोलॉजी भी कवर हो रहा है जेके पी का ऑप्शनल सोशोलॉजी ठीक है तो ये डिफरेंट प्ले लिस्ट आपको मेरी चैनल पर मिल जाएंगे अगर इसमें से कोई भी आपके काम की प्ले लिस्ट है तो जाके जरूर देखें अगर आपको मेरे वीडियोज का पीडीएफ चाहिए उसके लिए टेलीग्राम की जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वहां से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं आपके स्पेशलाइजेशन या जीके कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड कोई भी अगर पीडीएफ होगा वहां से तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक देखो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया है अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप मेरी जीके वाली प्लेलिस्ट पर जाके वहां से स्टार्टिंग के दे लेक्चर सक, देख सकते हैं आज हम डिस्कस करेंगे हमारा आर्टिकल नंबर फोर्टीन तो आर्टिकल देखते हैं कहां तक पहुंचेंगे आर्टिकल फिफ्टीन तो हमारा क्या ऑलरेडी कवर हो गया है इसमें आर्टिकल ट्वेल्व टू तो आर्टिकल फोर्टीन जो है हमारा कवर हो गया है ठीक है राइट टू इक्वालिटी करंटली हमारा डिस्कशन चल रहा है राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल ट्वेल्व हमने क्या देखा आर्टिकल ट्वेल्व क्या होता है जिसमें हमने डिफाइन किया स्टेट को कि स्टेट क्या होती है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैंने आपको कहा जो मोस्टली फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपको दिए जाते हैं अगेंस्ट द स्टेट दैट मींस दे आर द क्लेम ऑफ द इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट प्लस कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी हैं लेकिन मेजोरिटी स्टेट के अगेंस्ट ही होते हैं फंडामेंटल राइट्स कि स्टेट जो है इन्फ्रेंच नहीं कर सकती है किसी भी फन, किसी भी इंसान के फंडामेंटल राइट right में कोई वो है, आ, उसको ऐसा वॉयलेट नहीं कर सकती ठीक है फिर हो गया आपका आर्टिकल थर्टीन उसने क्या कहा था आर्टिकल थर्टीन ने हमने बात की थी जुडिशियल रिव्यू की ये क्या बेसिकली कहते हैं अगर कोई भी ऐसा लॉ लाए लाया जाएगा जो इंटरफेयर करेगा आपके फंडामेंटल राइट से या जो स्ट्रक डाउन करेगा वायोलेट करेगा प्रोहिबिट करेगा आपको एंजॉय करने से अपना फंडामेंटल राइट right, उस लॉ को स्ट्रक डाउन किया जा सकता है और ये लाया था थ्रू द डॉक्ट्रीन ऑफ जुडिशियल रिव्यू जुडिशरी जो है उस लॉ को रिव्यू कर सकती है तो आर्टिकल थर्टीन में हमने देखा फिर आर्टिकल फोर्टीन में हमने देखा राइट टू इक्वालिटी जिसमें दो चीजें सामने आई थी एक था आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड एकवल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अभी आपको क्या करना है अभी आपको सिर्फ या आर्टिकल्स याद रखने हैं कि किस आर्टिकल में क्या था बाद में मैं आपको लास्टली एक ट्रिक भी बताऊंगी आपको आर्टिकल जल्दी से ताकि मेमोराइज हो जाए फिलहाल आप आपस कॉन्सेप्ट समझो कौन सा आर्टिकल किस चीज़ के बारे में क्या कह रहे हैं ठीक है थीके? तो और, और एक बात हमें इतने डीपली आर्टिकल्स नहीं पढ़ने हैं क्योंकि आपका जो ये पूरा जी वाला कोर्स है आपका सब्जेक्ट है ये ट्वेंटी मार्क्स का है एंड इसके अंदर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं आपको इसमें हिस्ट्री पढ़ना है जोग्राफी पढ़ना है पॉलिटी पढ़ना है करंट अफेयर्स पढ़ना है थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट का पढ़ना है फिर जे एंड के रिलेटेड अलग चीजें पढ़नी है तो एक छोटा सा पार्ट इसका पॉलिटी है जिसमें एक छोटा सा टॉपिक है फंडामेंटल राइट इसीलिए हम ज्यादा डिटेल में आर्टिकल्स डिस्कस नहीं करेंगे आपको बस थोड़ा थोड़ा कंसेप्चुअल होना चाहिए क्लियर कि कौन सा आर्टिकल किस बारे में कहता है ठीक है फिर आपको ये चीजें बस याद रखने वाली हैं ज्यादा ये फैक्चुअल ही है तो हमारे तीन आर्टिकल्स हो गए आज हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल फिफ्टीन से आर्टिकल फिफ्टीन क्या कहता है आर्टिकल फिफ्टीन कहता है कि देर शेल बी आप साथ साथ नोट्स बना लो जैसे मैं यहां पे लिख रही हूं नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनली रेस रिलिजन कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ That means किसी भी इंसान को स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है इन ग्राउंड पे रेस पे रिलिजन पे कास्ट पे सेक्स पे प्लेस ऑफ बर्थ पे ठीक है दैट मीन्स अगर और कोई ग्राउंड हो सकता है उस पर डिस्क्रिमिनेट करे इन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेट आपको स्टेट नहीं कर सकते ये आपको याद रखना है अब आपके सामने आपके दिमाग में बात आएगी कि, कि हम हमें हमेशा बोला जाता है कि डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है किसी को भी फिर क्यों ऐसा होता है कि रिजर्वेशंस मिलती हैं है ना अभी आपने सुपरवाइजर की पोस्ट अभी अप्लाई करा होगा अगर हंड्रेड पोस्ट होंगी उसमें से फिफ्टी सिक्सटी तो रिजर्व ही होती हैं और ओपन मेरिट की काफी कम होती है बच जाती है उनके लिए दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो ओपन मेरिट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ तो डिस्क्रिमिनेशन ही हुआ ना कि उनको तो डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है डिस्क्रिमिनेशन विद जनरल कैटेगरी वाले, तो अगर आर्टिकल ये कहता है कि स्टेट आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है फिर कैसे आप किसी को इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो जनरल कैटेगरी वालों को आप कैसे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो तो इसमें हमें चीज समझनी होगी इंडिया फॉलो करता है रूल ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन दैट मीन्स इस आर्टिकल में जो भी मैंशनड होगा एनी थिंग मैंशनड इन दिस आर्टिकल कैनॉट स्टॉप द स्टेट फ्रॉम ब्रिंगिंग एनी थिंग दैट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ पहला वुमेन एंड चिल्ड्रेन मतलब बच्चों के लिए कोई ऐसे स्पेशली लॉ लेके आना हो वो आप ला सकते हो वुमेन के लिए लाना हो वो आप ला सकते हो उससे बाकी जो है मेल मेंबर्स जो है सोसाइटी uh, के वो ये नहीं कह सकते उन्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस की है क्योंकि जो uh, आपके सेक्शन है सोसाइटी के जो इक्वल नहीं है बाकियों के जैसे वुमेन है वो थोड़ा डाउन इन्फीरियर हो गई है सोसाइटी में इकोनॉमिकली वो बैक है एजुकेशनली वो एडवांस नहीं है उनको अपलिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऐसे स्पेशल रिजर्वेशन आ सकती है वो बाकी कैटेगरी जैसे मैन हो गए उनके लिए डिस्क्रिमिनेशन साबित नहीं होगा सिमिलरली आपके जो सोशल कास्ट सोशल ट्राइब है एस सीज इनको अपलिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट इनके लिए कुछ खास लेके आ सकती है वो जो जनरल कैटेगरी वाले हैं वो ये नहीं रो सकते हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है क्योंकि जो एस सी एस है वो जो जनरल कैटेगरी वालों से थोड़ा कंसिडर की जाती है वो उनसे थोड़ा डेवलपमेंट के हिसाब से इकोनॉमिकली एजुकेशनली पीछे हैं बैकवर्ड हैं तो उनको अपलिफ्ट कराना भी स्टेट का काम है क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो फॉलो करती है वेलफेयर मॉडल को यहाँ पे सारे एडवांस सेक्शंस नहीं रहते हैं सोसाइटी में काफी पोअर बैकवर्ड सेक्शंस भी हैं उनको अपलिफ्ट करना जरूरी है इसीलिए उनके केसेस में अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा लेके आ सक आती है तो आप ये नहीं कह सकते कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है ठीक है सेकेंडली गवर्नमेंट एस सी बी सी जो है आपके सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस उनके लिए उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए भी लेके आ सकती है कोई भी ऐसी रिजर्वेशन कोई भी ऐसी स्कीम वो भी एक्सेप्शन में आता है आर्टिकल 15 के इन सब चीजों को हम एक्सेप्शन बोलते हैं देखो जैसे आर्टिकल 15 क्या कहता है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते लेकिन यहाँ पे आप विमेन एंड चिल्ड्रन के केस में डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो एस सी बी सीज को डिस्क्रिमिनेट कर रहे उनके केस में डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो तो इनको हम एक्सेप्शन बोलते हैं ये इस आर्टिकल के एक्सेप्शन है ठीक है तो एस सी में आप यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी याद रखो से नाइनटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड फाइव इसमें क्या बोला गया था इसमें बोला गया था कि जो स्टेट है वो रिजर्वेशन लेके आ सकती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अगर वो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो भी लेके आ सकती है प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी चाहे वो एडेड हो या अनएडेड हो दैट मींस उनको एड मिल रहा हो गवर्नमेंट से पैसे मिल रहे हो या नहीं मिल रहे हो कोई भी प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से वहां पर रिजर्वेशन कुछ परसेंटेज लेके आ सकती है किन के लिए एस के लिए एस कौन हो गए आपके जो सोशली एंड एजुकेशनली आपके बैकवर्ड होते हैं जिसको हम ओबीसी भी कहते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेज एक्चुअली ये इसकी सब कैटेगरी है लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम आपको समझाने के लिए मैं बोलूँ आप समझो कि ओबीसीज है ठीक है तो ये हो गया आपका रिजर्वेशन वाला फिर हम चलते हैं आर्टिकल सिक्सटीन बस इतना इतना ही आपको हर आर्टिकल में पढ़ना है थोड़ा थोड़ा ठीक है ज्यादा आपको ये नहीं डिटेल में डेप्थ में नहीं जाना है क्योंकि काफी समंदर है वहां से जाओगे तो फिर समंदर में ही रह जाओगे बाकी सारा सिलेबस का क्या करोगे फिर और ये उतना इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट है बट उतना आपको इसमें डिटेल में नहीं आएगा क्योंकि ये छोटा सा कॉम्पोनेंट है आपके जीके का आर्टिकल 16 में डिस्क्रिमिनेशन के रिगार्डिंग ही है कि स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता लेकिन किन केसेस में नहीं कर सकता वो आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है इन एक्सेस टू जॉब्स जो है स्टेट cannot discriminate is only in access to jobs on the basis of only on the basis of race religion caste sex place of birth हमने अभी तक ये तीन ये पांच क्राइटेरिया हमने उसमें भी पढ़े आर्टिकल 15 में भी लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे और दो क्राइटेरिया यहाँ पे ऐड हो गए हैं तो ये आपको याद रखना क्योंकि ये इसकी डिफरेंस भी है रेजिडेंस एंड प्लेस ऑफ बर्थ ठीक है दैट मीन स्टेट आपको इन चीजों पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो ये सिर्फ आपके जॉब के रिलेटेड आर्टिकल हाई तो आपको रेस रिलीजन कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ रेजिडेंस और डिसेंट uh, पे प्लेस ऑफ बर्थ नहीं लास्ट वाला आपका डिसेंट है इन क्राइटेरिया पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है और हमने आर्टिकल 15 में हमने ये रेजिडेंस और डिसेंट नहीं पढ़ा हम थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं आर्टिकल 15 और 16 का उससे आपको एक चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी जो आर्टिकल 15 है वो जनरल है उसने जनरली बोला कि आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है ऑन दीज बेसिस फॉर एग्जाम्पल कोई एक वेल uh, well है आप बोलोगे आप लो कास्ट के आप वहां पे पानी नहीं पी सकते हो तो वो कौन सी इन्फ्रिंजमेंट हुई वो हो गया वॉयलेट करना आपका आर्टिकल 15 क्योंकि वो जनरल बात है आप जनरली किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर कास्ट लेकिन जब हम स्पेशली एम्प्लॉयमेंट की बात करें जॉब रिलेटेड बात करें तो वो आएगा आपके आर्टिकल सिक्सटीन में ठीक है समझ गए तो आर्टिकल सिक्सटीन जो है आपका ये टॉक्स ओनली अबाउट एम्प्लॉयमेंट तो आप बोल सकते हो ये जनरल नहीं है ये क्या है ये एक स्पेसिफिक आर्टिकल है और इसमें आपको क्राइटेरिया पांच देखने को मिलते हैं इसमें कौन कौन से रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ एंड इसमें है ये पांच प्लस रेजिडेंस एंड आपका डिसेंट यहाँ रेस रिलीजन कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे रेजिडेंस और डिसेंट को एड किया गया है ठीक है तो इसमें आपको दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए दैट मीन्स आर्टिकल 15 ये भी कह रहा है कि रेजिडेंस के बेसिस पे कहीं कहीं आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा है ना इसका सेकंड मीनिंग तो यही हुआ ना क्योंकि रेजिडेंस एज ए क्राइटेरिया कि आपको यू विल नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ योर रिलीजन दिस क्राइटेरिया हैज बिन एडिड इन आर्टिकल सिक्सटीन एंड नॉट हैज बीन इंक्लूडेड इन योर आर्टिकल फिफ्टीन दैट मीन्स यू आर्टिकल फिफ्टीन ऑल्सो मैंशन की ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस यू कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड समवेयर इसका सेकंड मीनिंग यही हुआ तो ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी फॉर एग्जाम्पल आप कश्मीर के हो डोमिसाइल वगैरह आपका सारा यहीं का है पले बड़े यहीं के हो लेकिन आपका मन करेगा आप बोलोग नहीं मुझे आंध्र प्रदेश जाके वोट कास्ट करना है मैं उनके इलेक्शन में इंटरेस्टेड हूँ या मुझे डेली जाके वोट कास्ट करना है क्योंकि मुझे अरविंद केजरीवाल बहुत पसंद है ठीक है आप, आप जना है मैं वहां जाके वोट कास्ट करूंगा लेकिन आपको राइट नहीं दिया गया है अगर आप कश्मीर के हो आप डेली जाके वोट कास्ट नहीं कर सकते दैट मीन्स आपको रेजिडेंस के बेसिस पे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है अब सोचो अगर रेजिडेंस को इन्होंने क्राइटेरिया ऐड किया होता आर्टिकल फिफ्टीन के साथ कि रेजिडेंस पे आप जेंरल डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो ये जनरल आर्टिकल ही है ना कि रेजिडेंस के बेसिस पे आप जनरल डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो तो ऐसे चांसेस थे ना कि लोग जाते वोट कास्ट करने लोग बोलते हैं कि हमें जाके डेली वोट करेंगे क्योंकि रेजिडेंस के बेस पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते दैट मीन्स मैं डेली जाके भी वोट कास्ट करूंगा तो आपको जनरल डिस्क्रिमिनेशन जो है उसमें इसीलिए रेजिडेंस क्राइटेरिया को ऐड नहीं किया ताकि ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए फाइन और एम्प्लॉयमेंट के केसेस में उन्होंने रेजिडेंस को ऐड किया है कि एम्प्लॉयमेंट में आप रेजिडेंस को एज ए क्राइटेरिया रखो रेजिडेंस के बेसिस पे आप ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो आप ये नहीं बोल सकते आप आई के लिए अप्लाई मत करो क्योंकि आप कहाँ के हो आप डेली के हो क्योंकि आप यूपी के हो आप रेजिडेंस के बेसिस पे वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं लाओगे ठीक है अब जो आर्टिकल सिक्सटीन है उसमें भी आपको कुछ एक्सेप्शन मिलेंगे मैंने कहा रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी रिलीजन इंक्लूडेड है इसमें ठीक है अब वक्फ बोर्ड की एग्जाम्पल ले लो मुस्लिम है ये वक्फ बोर्ड्स क्या आप वक्फ बोर्ड के कहीं पे चेयरमैन देखोगे हिंदू अपॉइंट हुआ है नहीं स्टेट नहीं करेगी दैट मीन्स आप रिलीजन के बेसिस पे कहीं ना कहीं रिलीजियस ऑफिस के बेसिस पे तो डिस्क्रिमिनेट कर ही रहे हो तो ऐसे छोटे मोटे एक्सेप्शन जो है वो अलाउड होते हैं सिमिलरली रेजिडेंस के बेसिस पे भी जैसे स्टेट के अपने कुछ लॉज होते हैं रेगुलेशन होते हैं जो आपको बोलती है लैंग्वेज क्राइटेरिया है इंपॉर्टेंट यहाँ के एग्जाम्स के लिए अप्लाई होना अगर आप साउथ में जाओगे एपी में देख लो आंध्र प्रदेश में तो वहां पे अगर पोस्ट निकल रही हैं वो आपके लिए अपनी लैंग्वेज का क्राइटेरिया रखेंगे कि आपको ये लैंग्वेज स्पीकिंग एंड रिटर्न फॉर्म में आनी चाहिए तो दैट मीन्स रेजिडेंस के बेसिस पे कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रही है ना आप वहां अप्लाई नहीं कर सकते हो डिफरेंट स्टेट्स टाइम टू टाइम ऐसे सारे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती रहती हैं जिससे क्या हो जाता है जिस लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है किसी एग्जाम के लिए तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है लेकिन जनरल जो रेजिडेंस के लॉज हैं अगर कोई भी लॉ रिगार्डिंग रेजिडेंस बनाना हो कि रेजिडेंस एज ए क्राइटेरिया को लेके आपको लॉ बनाना हो तो वो किसके हाथ में पावर होता है उस पर लॉ बनाना पार्लियामेंट के पास पावर है ये आपको याद रखना है ठीक है तो ये हो गया आपका आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 क्विक रिवाइज कर लेते हैं एक बार ही आर्टिकल 15 जनरल है जो बोलता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं भी हो नहीं होनी चाहिए किसी भी ग्राउंड्स पे किन किन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए रेस रिलीजन कास्ट सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ ठीक है उसके बाद पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है जो इसका एक्सेप्शन एक्ट करता है उसमें विमन एंड चिल्ड्रन को लेके कुछ भी लेके आ सकते हो एस सी बी सी सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस ठीक है उनको लेके आप कुछ भी लेके आ सकते हो कोई रिजर्वेशन का ये बनाया लॉ तो उस केस में आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोल सकते क्योंकि वी हैव हैविन फॉलोइंग ए पॉलिसी ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्योंकि हमें वेलफेयर की बात करनी है जो डाउन रोडन सेक्शन है सोसाइटी के उनको अपलिफ्ट करने की बात करनी है आर्टिकल 16 कहता है कि डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता लेकिन इट इज ओनली इन रिलेशन टू योर जॉब इसमें हमने दो क्राइटेरिया और ऐड किए रेजिडेंस एंड योर डिसेंट ठीक है उसके बाद देख लो हम थोड़ा रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हो सकता है एग्जाम में आपको पूछ लें क्योंकि फंडामेंटल राइट के अंदर ही आता है ये सारी चीजें भी तो रिजर्वेशन को लेके क्या हुआ था आपकी मोरारजी देसाई गवर्नमेंट थी 1979 में इतना आपको याद नहीं रखना उन्होंने कमीशन सेटअप किया था बैकवर्ड क्लास कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मंडल बीपी मंडल ठीक है तो उन्हें क्या कहा था कहा था कुछ मेजर सजेस्ट करो हमें या कुछ इन्वेस्टिगेट करो पहले आप एस सी को सोशल एंड एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस को और उनको अपलिफ्ट करने के लिए कुछ मेजर्स सजेस्ट करो ठीक है क्योंकि ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है टाइम टू टाइम इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी और इनको हम अपलिफ्ट करने के लिए कुछ मेजर्स लेके आएंगे अगर याद रखना चाहो तो रखो आर्टिकल थ्री में मैंशनड है ठीक है तो इन्होंने क्या किया था अकॉर्डिंगली स्टडी किया था और अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी और कहा था हमारे पास काफी कास्ट है जो एस सी है और उनके लिए कुछ मेजर्स हमें लेके आना जरूरी है पहले इन्होंने कहा था कि जो रिजर्वेशन है ओ की गवर्नमेंट में वो होनी चाहिए ट्वेंटी सेवन परसेंट ठीक है उसके बाद क्या हुआ था एक फेमस केस आया था जिसको हम मंडल केस के नाम से जानते हैं चला गया हाँ मंडल केस के नाम से जानते हैं रिजर्वेशन की बात हुई थी आगे इसको अब इंदिरा साहनी केस के नाम से भी फेमस है इंदिरा साहनी केस इसमें क्या किया था जो रिजर्वेशन दी गई थी बैकवर्ड क्लासेस को उस चीज को एग्जामिन किया गया था अपना वर्डिक्ट दिया था ठीक है जब मंडल कमीशन ने ये कहा था ट्वेंटी सेवन परसेंट ओबीसी के लिए रिकमेंड करो उसके बाद हमारे पास और भी केसेस आए थे वो हमें उतना डिटेल में नहीं जाना फिर नई नेक्स्ट गवर्नमेंट आई थी ठीक है नरसिम्हा राव उसके बाद वीपी सिंह गवर्नमेंट आई थी फिर नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आई थी तो कुछ कुछ चेंजेस लाई थी तो काफी चेंजेस रिजर्वेशन में होती रही थी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है फिर फाइनली वर्डिक्ट आया मंडल केस के इससे के केस के थ्रू एक वर्डिट सामने आया जिसमें अपहेल्ड किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इस चीज की कि हाँ ओबीसी को ट्वेंटी परसेंट रिजर्वेशन मिलनी चाहिए प्लस फाइव इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आई थी बस आपको ये जजमेंट्स याद रखनी है जो मंडल केस में आई थी उसमें पहली जजमेंट क्या थी जो एडवांस सेक्शन है ओबीसी का एडवांस सेक्शन ओबीसी शुड बी रिजर्वेशन उनको एक्सक्लूड करो रिजर्वेशन से ठीक है उसको हम बोलते हैं क्रीमी लेयर जो है क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करो सेकेंडली था प्रमोशन में नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन थर्डली इन्होंने कहा था जो भी रिजर्वेशन है इसके लिए फिफ्टी परसेंट रूल फॉलो करो दैट मींस जो टोटल ओवरऑल रिजर्वेशन है ये फिफ्टी परसेंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए फोर्थ इन्होंने कहा था कैरी फॉरवर्ड रूल कि अगर कोई वैकेंसीज रह जाती है रिजर्वेशन की इस साल वो पोस्ट्स वो उतने परसेंटेज जो है वो अनरिजर्व रह गई उनको कैरी फॉरवर्ड करो नेक्स्ट ईयर के लिए लेकिन टोटल जो है आपको फिफ्टी परसेंट नेक्स्ट ईयर भी रहनी चाहिए वो वॉयलेट नहीं करना है नेक्स्ट ईयर में भी ठीक है फिफ्थ इन्होंने कहा था एक परमानेंट कमीशन स्टैब्लिश करो फॉर दी ओवर इंक्लूजन एंड अंडर इंक्लूजन चेक करने के लिए ओवर इंक्लूजन एंड अंडर इंक्लूजन ऑफ ओ ठीक है ये पांच चीजें जो इस जजमेंट से सामने आई थी इस केस से मंडल केस से ये पांच जजमेंट्स आप याद रख लेना आपके लिए सिर्फ इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है ठीक फिर और एक चीज मैंने आपको कहा रिजर्वेशन जो है प्रमोशन में नहीं होगी बाद में इसमें थोड़ी चेंजेस आई थी बस यहाँ पे एक दो अमेंडमेंट्स आप याद रखो ये थोड़ा हम देखते हैं रिजर्वेशन इन प्रमोशन रिजर्वेशन इन प्रमोशन में क्या बोला था कि रिजर्वेशन आप दे दो प्रमोशन में एटलीस्ट उन एस सी एस टीज को जो इन एडिकुटली रिप्रेजेंटेड है तो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन एक्सटेंड किया गया था एस सी एस टी के लिए इसमें आपको याद रखने वाला ये हुआ था सेवन कॉन्स्टिट्यूशन से मैं आपको सिंपल सिंपल चीजें याद रखने को बोल रही हूँ बाद में रिजर्वेशन एंड प्रमोशन में भी काफी आगे चेंजेस देखने को मिली इसमें बस आप दो चीजें याद रखो पहला सेवेंटी सेवन कॉन्स्टिट्यूशन अमेनमेंट एक्ट नाइनटीन नाइनटी फाइव से ये एससी एस टीज को एक्सटेंड किया गया था सेकेंड इसमें एक नागराज केस आया था जिसमें दो चीजें ऐड की थी बस यही आपको याद रखना है दो चीजें क्या ऐड की थी कहा था ये हमें पहले अच्छे से पता होना चाहिए जिस ग्रुप को हम रिजर्वेशन दे रहे हैं वो बैकवर्ड है या नहीं बैकवर्ड और नॉट सेकेंडली उन्होंने कहा था जो एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है Means, जो बैकवर्डनेस है वो एडिक्वेट होनी चाहिए बैकवर्ड और नॉट ये आपको देखना है फर्स्ट सेकंड कहाता है एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए वो 77 सेवन अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन आपके किसके लेके है रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर एससीज एस टीज ठीक है इसमें आप इतना भी याद रखो तो चलेगा और पांच जजमेंट्स याद रख लेना केस का नाम याद रखना ठीक है तो उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट आर्टिकल आर्टिकल फिफ्टीन सिक्सटीन हो गया नेक्स्ट आ गया आर्टिकल सेवनटीन तो आर्टिकल सेवेंटीन आपको याद रखना है किसके लिए है किसके अगेंस्ट है दिस आर्टिकल इज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी और इस आर्टिकल को काम में लाने के लिए बाद में दो एक्ट्स लाए गए एक था आपका अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 जिसको रीनेम किया था एज उसको रीनेम किया था रीनेम्ड एज सिविल राइट एक्ट 1995 ठीक तो है तो मैंने आपको कहा जैसे फंडामेंटल राइट्स है मोस्टली स्टेट के अगेंस्ट है तो ये वाला जो एक्ट है ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी है अगर प्राइवेट कोई इंसान आपको थोड़ा अनटचेबिलिटी के इसमें ले जाए या उस बात पे आपको डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर दे कुछ रिमार्क्स पास करे कुछ बोले तो उस पर केस हो सकता है अंडर एक्ट दिस एंड अंडर आर्टिकल सेवेंटीन उसको बुक भी किया जा सकता है ठीक है तो ये हो गया आर्टिकल सेवनटीन इसमें आपको इतना ही याद रखना है आर्टिकल एटीन है आपका अबोलिशन ऑफ टाइटल्स अबोलिशन ऑफ टाइटल दैट मीन्स आप कोई टाइटल ऐसे होल्ड नहीं कर सकते जैसे राजा निजाम ऐसे फॉलोइंग फॉलोइंग राज यहाँ के राजा हो अब वहां के निजाम हो वो चीजें जो होती हैं वो गवर्नमेंट रिकोगनाइज नहीं होती हैं तो ये कहता है कि स्टेट है विल नॉट गिव टाइटल शेल नॉट गिव टाइटल टू इट्स सिटीजन शेल नॉट गिव टाइटल टू इट्स सिटीजन तो यूजुअली जो ऐसे क्वेश्चन है आपको ऐसे आ सकता है कि आर्टिकल 18 टॉक्स अबाउट अनटचेबिलिटी होगा एम्प्लॉयमेंट होगा रिजर्वेशन होगा और अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स भी उसमें एक ऑप्शन होगा ठीक है आप सोचोगे कि पद्मश्री वगैरह ये सारी चीजें तो मिलती है ना जैसे पद्मश्री इसको मिल गया भारत रत्न इसको मिल गया तो बेसिकली वो टाइटल्स नहीं है वो क्या है वो अवार्ड्स हैं उनको हम अवार्ड्स बोलते हैं तो आपको गवर्नमेंट वो दे तो सकती है स्टेट आपको वो दे सकती है लेकिन आप उनको एज प्रीफिक्स यूज नहीं कर सकते वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा ठीक है तो वो अवार्ड्स एंड नॉट टाइटल्स तो इंडियंस क्या रिसीव कर सकते हैं अवार्ड्स एंड नॉट टाइटल्स इसके भी आगे फिर फर्दर बहुत सब पार्ट्स हैं कि, कि किस केस में क्या कर सकते हो पर वो आपको इतना इनडेप नहीं पढ़ना है आप इतना याद रख लो जो आपके एटीन आर्टिकल है दैट टॉक्स अबाउट अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स फिर हो गया आपका आर्टिकल नाइनटीन आर्टिकल 19 स्पेसिफिकली इसके छ पार्ट्स हैं और ये आपको क्या कहता है ये आपको कुछ चीजों की फ्रीडम देता है ठीक है वो अलग अलग पार्ट्स में है कि किस चीज की फ्रीडम आपको मिलती है मैंने आपको स्टार्टिंग में आपने सुना होगा फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे पास तो वो सारे सब पार्ट्स है आर्टिकल नाइनटीन के अंडर आते हैं तो उसमें हो गया आप ऐसे याद रखो इसको सैमरो करके याद रखो आर्टिकल नाइनटीन वन जो है टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल नाइनटीन पार्ट टू टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मतलब आप एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो नाइनटीन थ्री टॉक्स अबाउटलीजेंबली आर्टिकल नाइनटीन इज फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस आर्टिकल नाइनटीन फोर आपका रेजिडेंस uh, नहीं है मैंने सैमरो आपको बताया था फोर आपका मूवमेंट है फोर इज मूवमेंट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है आपको जहां मर्जी वहां जो नाइनटीन फिफ्थ टॉक्स अबाउट रेजिडेंस नाइनटीन सिक्स टॉक्स अबाउट ऑक्यूपेशन इसमें राइट टू प्रॉपर्टी भी आता था पहले लेकिन बाद में उसको हटाया गया था अब वो एक लीगल राइट है अंडर आर्टिकल थ्री हंड्रेड पहले वो आपका एक फंडामेंटल राइट right था ठीक है अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है लेकिन इन सब चीज़ों में कुछ एक्सेप्शन है ऐसा नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है एक्सप्रेशन है तो बाहर जाके गालियां निकालना सब कुछ शुरू कर दो तो एक्सेप्शन है जैसे आपको डिसेंसी एंड मॉरलिटी हो गया आपके स्टेट की सिक्योरिटी है या कोई वायलेंस इंसाइटमेंट टू वायलेंस है कि कुछ ऐसा बोलना जिससे वायलेंस हो जाए किसी को डिफेम करना ठीक है पब्लिक ऑर्डर डिस्ट्रप्ट करना वो सारी चीजें इसके में आएंगी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होता है फॉर्म करना फॉर ट्रेड यूनियन तो आपके पास पावर है वो फॉर्म करने का इसमें और एक चीज याद रखो इसमें रिसेंटली एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ जिससे कॉपरेटिव सोसाइटीज को भी ऐड किया गया राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन में और वो किस अमेंडमेंट के अंडर आया नाइनटी सेवन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड इलेवन राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है एक फंडामेंटल राइट right है अंडर आर्टिकल नाइनटीन टू ठीक है फिर हो गया फ्रीडम टू असेंबली लोग जमा हो जाते हैं ना कहीं पे किसी एक प्रोसेशन के लिए पीसफुल असेंबलीज होनी चाहिए वो तो राइट टू फॉर्म वो असेंबली वो भी आपका एक फंडामेंटल राइट right है तो वो भी आप याद रखना उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है हर राइट right की तरह ये एब्सोल्यूट नहीं है इनकी अपनी अपनी कुछ ये होती है जैसे जो असेंबली होगी वो अनआर्म्ड होनी चाहिए ऐसा नहीं है गन वन लेके कहीं पे खड़े हो पत्थर वत्थर लेके कहीं पे बैठे हो ठीक है कि ऐसा कुछ हो जाए और हम मारना शुरू कर दें वो असेंबली फॉर्म करना नहीं ये असेंबली जो है अन होनी चाहिए ठीक एंड पब्लिक प्लेसेस पे थोड़ा डिसेंसी मेंटेन होनी चाहिए पीसफुल होनी चाहिए तो ऐसी रेस्ट्रिक्शन इनपे इम्पोज की जाती हैं ठीक है ठीके? कुछ एक्सेप्शन इनमें होती हैं फिर हो गया फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फ्रीडम ऑफ असेंबली हो गया हाँ उसके बाद आता है आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की जहां मर्जी आप आ जा सकते हो ठीक है इसमें भी कुछ एक्सेप्शन हैं जैसे कुछ स्टेट्स में अगर आपको अंदर जाना है तो आपको कुछ परमिट वगैरह की जरूरत पड़ती है आई एल पी इन लाइन परमिट की आप उतना डिटेल में नहीं जाना आप याद रख लेना टॉक्स अबाउट मूवमेंट फिर हो गया रेजिडेंस कि आपकी मर्जी आप कौन सी प्रॉपर्टी बाय करो कहीं कहाँ पे रहने जाओ अपनी स्टेट के अंडर वो भी आपकी मर्जी के अंडर ही आता है एंड ऑबलीटन रेस्ट्रिक्शंस फिर हो गया राइट टू तो ऑक्यूपेशन आपकी मर्जी है क्या काम करो फाइन इसमें लेकिन कुछ ऑक्युपेशन हैं जिसमें आपको स्टेट की लाइसेंस एक्वायर करना जरूरी है जैसे आप शराब खाना खोलना चाहते हो लिकर शॉप्स ठीक है या आप फार्मास्यूटिकल्स के साथ काम करना चाहते हो या टोबैको प्रोडक्ट्स के साथ तो उन कुछ केसेस में आपको लाइसेंस लाना जरूरी होता है अदरवाइज फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन भी आपको दी जाती है विद सर्टेन एक्सेप्शन तो आर्टिकल नाइनटीन ये सारी बातें करता है ठीक है तो आपको इनका बेसिक बेसिक ही याद रखना है डिटेल तो में नहीं जाना है क्योंकि अगर डिटेल में जाओगे तो ये बहुत डिटेल्ड है ये सारी चीजें इसलिए जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए मैं सिर्फ वो बोल रही हूँ आर्टिकल ट्वेंटी इट टॉक्स अबाउट द राइट्स With respect to conviction for. ऑफेंसेस कि अगर कुछ हो गया कुछ आपने किया तो आपके भी कुछ राइट्स होने चाहिए उस चीज़ में क्रिमिनल जो है उनको भी अप्रोप्रिएटली पनिश किया जाना चाहिए ऐसा नहीं कि जो मर्जी आए उनको पनिश करो तो उसके लिए कुछ आपको दिया जाता है कुछ राइट्स जो है क्रिमिनल्स को भी दिए जाते हैं कि कैसे करके आप उनको पनिश कर सकते हो और क्या आप उनके साथ नहीं कर सकते हो तो उसका फर्स्ट देख लो आर्टिकल ट्वेंटी इसमें तीन चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें आता है नो एक्सपोस्ड फैक्टुल लॉ No, एक, ये बस नाम ही आपको ऐसे खतरनाक लगेगा एग्जाम्पल से आप एक सेकेंड में समझ जाओगे नो एक्सपोज फैक्टर लॉ नो एक्सपोज फैक्टर लॉ क्या कहता है ये कहता है कि नो लॉ कैन बी क्रिएटेड आफ्टर द इवेंट हैज अकर्ड नो लॉ कैन बी क्रिएटेड आफ्टर द इवेंट हैज अकर्ड फॉर एग्जाम्पल आपने चोरी की ठीक है लेकिन आप जो स्टेट में रहते हो वहां चोरी की कोई सजा नहीं है इसको एज ए क्राइम माना ही नहीं जाता तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आपने चोरी की है इसके बाद लॉ क्रिएट किया जाए और आपको सजा मिले ऐसा नहीं है अगर वो उस टाइम पे कोई क्राइम माना जाएगा तो ही आपको सजा मिलेगी अदरवाइज आपको सजा नहीं मिलेगी ये कहता है नो एक्सपोज फैक्ट ऑल लॉ एक ये चीज इसमें आती है और इसमें एक टर्म आप याद रखोगे इसमें बोला जाता है नो no रेट्रोस्पेक्टिव लॉ ठीक है मतलब ऐसा नहीं है अगर आपने 2024 ट्वेंटी फोर में कोई टू uh, नाइनटीन में कोई चीज की है तब वो कोई क्राइम नहीं था फिर 2024 में जब उसको क्राइम माना गया तब उस आपको सजा मिली नहीं इसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता है मतलब पुराने इफेक्ट्स नहीं चलते हैं इसको हम बोलते हैं कि प्रोस्पेक्टिव में चलता है ये आगे आगे चलता है अब अगर वो 2024 में माना गया कि हाँ क्राइम है अब आपने ट्वेंटी में किया तो ही आपको पनिशमेंट मिलेगी तो उसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लॉज में नहीं है ये आता है आपको अंडर नो एक्सपोज फैक्टर लॉ ठीक है फिर हो गया आपका आर्टिकल ट्वेंटी वन फिर है आर्टिकल ट्वेंटी का सेकेंड पार्ट डबल पार्टी डबल पार्टी क्या कहते हैं आपको एक पनिशमेंट के लिए दो बार सजा नहीं मिल सकती है ऐसा नहीं आपने एक बार ही मर्डर किया फिर उसी एक मर्डर के चार्ज पे आपको सेम मर्डर के लिए दो बार सजा मिली हाँ अगर आपने अलग लोगों का मर्डर किया फिर तो ऑब्वियस है अगर आपने एक ही बार क्राइम किया है दो बार आपको उसकी पनिशमेंट नहीं मिल सकती है तो वो आता है डबल जो पार्टी के अंडर फिर हो गया आर्टिकल ट्वेंटी थ्री ये कहता है कि आपको अपने एविडेंस देने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन डैट मीन्स इंडिविजुअल को फोर्स नहीं किया जा सकता है कि वो अपने खिलाफ गवाही दे कोर्ट में नो बडी शैल बी फोर्स टू गिव अ स्टेटमेंट अगेंस्ट हिमसेल्फ get a statement against himself. इसीलिए अगर किसी को आपने मूवीज में देखा होगा अरेस्ट किया गया होगा फिर पुलिस उनको गवाही अगर पुलिस स्टेशन में पुलिस उनके ऑफिशियल्स के सामने देंगे तो वो उसको एज एविडेंस सिर्फ सोल उस पर्पज को प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पे तो फोर्सफुली भी आप किसी को अपने खिलाफ बुलवा सकते हो ना तो अगर वहां पे उसने बोला भैया कोर्ट में वो मुकर भी सकता है क्योंकि आप फोर्स नहीं कर सकते उसको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए तो वो आता है अंडर आपका आर्टिकल 20 तो ये जो आर्टिकल्स हैं ये आपको क्या बोलते हैं थोड़ा बहुत राइट जो देते हैं क्रिमिनल्स को भी कुछ राइट्स दिए गए हैं तो आर्टिकल 20 पर स्टॉप करते हैं एक बार ही क्विक रिवीजन कर लेंगे हम यहाँ पे रिवाइज करते हैं हमने पढ़ा पहले आर्टिकल 15 आर्टिकल 15 क्या कहता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी ऑन द बेस ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ पे ठीक है फिर आगे आपका आर्टिकल सिक्सटीन आर्टिकल सिक्सटीन कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी ओनली इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो ये स्पेसिफिकली किसके रिलेटेड है आपके जॉब के रिलेटेड और आर्टिकल फिफ्टीन जनरल टर्म्स में तो ये एक तो ये पांच क्राइटेरिया प्लस इसमें क्या एड हो गया रेजिडेंस प्लस डिसेंट ठीक है फिर आगे आपका आर्टिकल सेवेंटीन वो किसके अगेंस्ट है दैट इज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी फिर आगे आपका आर्टिकल 18 वो किसके रिगार्डिंग है अगेंस्ट अबोलिशन ऑफ टाइटल्स ठीक है फिर हमने पढ़े आर्टिकल 19 में कुछ फ्रीडम के रिलेटेड आर्टिकल्स हैं उसमें हमने पढ़ा पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फिर हमने पढ़ा एसोसिएशन फॉर्म करना फिर हमने पढ़ा असेंबली फॉर्म करना फिर हमने पढ़ा मूवमेंट रेजिडेंस एंड ऑक्युपेशन पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी इसका पार्ट था बाद में उसको हटाया गया था आप याद रखोगे mnemonic S -A -A -M -R -O से, ये आपका स्पीच हो गया एसोसिएशन असेंबली मूवमेंट रेजिडेंस एंड ऑक्युपेशन फिर हो गया आपका आर्टिकल ट्वेंटी दैट इज कुछ राइट विद रेस्पेक्ट टू द कन्वेक्शन ऑफ ऑफेंसेज विद रेस्पेक्ट टू कन्वेक्शन दैट मीन्स क्रिमिनल्स को भी कुछ राइट right दिए जाते हैं इसमें हमने तीन चीजें पढ़ी नो एक्सपोज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है लॉस का अगर एग्जाम में तो वो आप डायरेक्टली आर्टिकल ट्वेंटी के साथ लिखोगे एंड सेकेंड इज नो डबल जॉब पार्टी दैट मीन्स एक इसके लिए आप दो बार पनिश नहीं कर सकते हो नो डबल जॉब आडी एंड थर्ड वन इज नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बस यही चीजें हमने पढ़ी अपने नोट्स में अगर आप इतना ही सिर्फ लिखोगे तो आपका आज का जो है लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा फिर हमने कुछ रिजर्वेशन की चीजें पढ़ी वो भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ऐसे डिस्कशन में फिर रिविजन में आपको ईजी हो जाता है याद करना रिजर्वेशन मंडल कमीशन को बिठाया गया था ओबीसी को थोड़ा इन्वेस्टिगेट करने के लिए एस सी को ठीक है ताकि उनको हम अपलिफ्ट कर सके और उनके लिए कुछ मेजर्स ला सके उन्होंने कहा ट्वेंटी परसेंट जो है रिजर्वेशन ओबीसी को दे दो फाइन लेकिन जो फिफ्टी परसेंट रूल है उसको मेंटेन रखो जो हमने आगे देखा था फिर आ, क्या हुआ बाद में कोर्ट में केस गया उसको मंडल केस या मंडल केस या इंदिरा सहानी केस के नाम से भी जानते हैं उसमें रिजर्वेशन की कुछ चीजें बोली कुछ चीजें जो मंडल कमीशन के बाद रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स ने ऐड की थी कुछ को उन्होंने खत्म किया था एंड फाइनली हमारे पास पांच जजमेंट्स आई थी पहले उन्होंने ट्वेंटी सेवन परसेंट जो है अपहेल्ड किया था उसके बाद पांच जजमेंट्स दी थी, थी। 27 OBS को दो इसको अपहेल्ड किया कि ठीक हाँ है इसको कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी देते हैं सेकंडली कहा था क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करो क्रीमी लेयर और कहा था रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है वो नहीं मिलेगी थर्ड कहा था फिफ्टी परसेंट रूल ओवरऑल जो है फिफ्टी परसेंट रिजर्वेशन से एक्सटेंड नहीं होना चाहिए फोर्थ कहा था कैरी फॉरवर्ड रूल कैरी फॉरवर्ड रूल कि अगर रिजर्वेशन की कुछ यहाँ पे परसेंटेज बच जाता है वो सीट्स रह जाती है रिजर्वेशन नहीं मतलब उसमें वो वेकेंट रह गई तो उन सारी चीजों को आप नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करोगे लेकिन उस केस में भी फिफ्टी परसेंट रूल जो है आपको मेंटेन करना होगा इसमें भी कुछ एक्सेप्शन स्टेट है फॉर एग्जाम्पल आपकी तमिलनाडु वो फिफ्टी परसेंट रूल जो है वो नहीं मानती है फिफ्थ है आपका एक परमानेंट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जैसे आपका एनसीबीसी फिर बना था कि उसको सेटअप करो ठीक है तो फिर रिजर्वेशन प्रमोशन को लेके फाइनली बाद में सेवेंटी सेवन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था नाइनटीन नाइनटी फाइव में उसने कहा था एटलीस्ट वो एस सी एस और एस जो बहुत ही पीछे है अभी उनको आप रिजर्वेशन दे सकते हो इन प्रमोशन ठीक है यहाँ पे ने कहा था नहीं दो सिर्फ अपॉइंटमेंट uh, केसेस में अर्ली अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन होनी चाहिए प्रमोशन में नहीं होनी चाहिए बाद में इसको चेंज किया था फिर नागराज केस है 2008 में उसने दो चीजें और ऐड की कहा जो बैकवर्ड क्लासेस को आप रिजर्वेशन दे रहे हो ये देखो कि वो बैकवर्ड है सही मायनों में नहीं तो एडिक्वेटली बैकवर्ड है कि नहीं ये चीज देखो एडिक्वेटली बैकवर्ड है कि नहीं सेकेंडली कहा था जो एफिशियंसी है इन एडमिनिस्ट्रेशन वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए ठीक है तो ऐसे करके आपको अपने नोट्स बनाने हैं शॉर्ट फॉर्मेट में एक बारी समझ के तो फिर देखो कितना ही बड़ा आर्टिकल फिफ्टीन टू तो आर्टिकल ट्वेंटी एक पेज का काम है आपका एक पेज में इसके सारे नोट्स बन जाएंगे और विद रिजर्वेशन तो यहाँ पे लेक्चर स्टॉप करते हैं नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल ट्वेंटी से कंटिन्यू करेंगे टिल द टाइम अपलोड नेक्स्ट लेक्चर बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे